वो बच्चे सुरक्षित हैं भी नहीं हैं। तो मैंने जिलाधिकारी को कहा, मैंने कभी आप बातचीत करिए उससे एक बार, एक संवाद एक बार तो बना। उसने 6 महीने के एक बच्ची को बाहर भी किया, लेकिन संवाद बनाने और फिर वे बच्चे सुरक्षित हैं, मैंने कहा इसको कंफर्म करो कैसे होगा। तो फोन से उसने एक बच्चे से संपर्क भी करवाया, लेकिन डिमांड कि, और उसने दरवाजे में एक छोटा सा बता बना रखा था, वहीं से वह व्यक्ति अपने अनुसार फायर भी कर रहा था। जब इंटेलिजेंस के एक अधिकारी को भेजा गया कि भाई आप नजदीक से देख के, तो दौड़ के हाँफते हुए आए, कहा साहब बहुत खतरनाक स्थिति है, उसने तो पूरा बम फैला रखे हैं और वह व्यक्ति इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार बैठा है। हमारे पास समय नहीं था कि अब क्या करना है। तब मैंने आईजी रेन से इस बारे में कहा, मैंने कहा आप एक बार थोड़ा मौके पे देखें क्या हो सकता है, क्योंकि सामने का दरवाजा लोहे का है, लोहे के दरवाजे को आप आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे जब तक कि आपके पास एटीएस के कमांडो वहां नहीं पहुंचते हैं, एनएसजी जब तक वहां तक नहीं पहुंचती तब तक, क्योंकि ये दोनों पहुंचने में समय लगेगा। एटीएस को 2 बजे तक वहां पहुंचना था, एनएससी कमांडो 4 बजे तक वहां पहुंचते, और तब तक अगर वह व्यक्ति अपनी किसी खुरापात को अंजाम दे दे तो बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी। बीच बीच में मान्य विधायक जी से, वहां के मान्य सांसद जी से सबसे मेरी बातचीत होती रही। अंत में आईजी रेंज ने और जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि हम लोग जो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं उसमें अगर हम दोनों ओर से हमला करते हैं पीछे से ही हम घुस पाएंगे, क्योंकि पीछे लकड़ी का दरवाजा है, आगे लोहे का दरवाजा है, कठिन होगा। और इसमें कार्रवाई होगी, कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा अगर 23 बच्चों की जान बचानी है रिस्क तो लेना पड़ेगा। और फिर 1 बजे के आसपास रात्रि में, हम लोग 7 बजे से लगातार बैठे थे और रात्रि को ठीक 1 बजे घटना और इस सफलतम ऑपरेशन को संपन्न किया गया। सचमुच यह एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने की कुचित मंशा को सफलतापूर्वक पुलिस ऑपरेशन से, जिसमें यूपी पुलिस ने सफलतापूर्वक उस ऑपरेशन को अंजाम देकर के सभी बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। और इस ऑपरेशन की देश ने भी दुनिया ने भी तारीफ की। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो व्यक्ति था दिखने के लिए वह अनपढ़ लगता था, लेकिन उसके पास वीडियो, आपको याद होगा आज से 15 वर्ष पहले चेचन्या में इस प्रकार का एक घटना घटित हुई थी, उसका वीडियो उसके पास मौजूद था और उसने उसी की तर्ज पर इस घटना को अंजाम दिया था। वह भारी नुकसान पहुंचाना चाहता था, जो वहां पे बम मिले हैं, जो उसने सिलेंडर बम बनाए थे, जो उसने वहां पर पूरी एक सर्किट तैयार की थी, ये भारी नुकसान की नियति से उसने तैयार की थी। और मुझे लगता है संकट के समय हमारा धैर्य और हमारी बुद्धिमता हमारी सफलता के रहस्य को आगे बढ़ाती है। और यह फर्रुखाबाद में एक बेहतर समन्वय प्रशासन और पुलिस का, प्रशासन और जनता का, जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में बेहतर जो समन्वय था उस बेहतर समन्वय का एक बेहतर परिणाम आया था। और आया, उत्तर प्रदेश पुलिस एक सफलतम ऑपरेशन को वहां पर अंजाम देने में सफल रही, और जिसके कारण हर एक ने इस पूरी कार्रवाई की बहुत तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। मैं इस पूरी ऑपरेशन के लिए आईजी रेंज के नेतृत्व में,
पुलिस की पूरी टीम को और जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। और रात्रि में ही हम लोगों ने इसीलिए स्पष्ट कर दिया था कि भाई इस मामले में मीडिया के सामने स्थिति स्पष्ट हो। एसीएसओम और तत्कालीन डीजीपी ने रात्रि 2 बजे ही मीडिया को सारी जानकारी उपलब्ध करवा करके पूरे घटना के बारे में भी अवगत कराया। यह घटना एक नजीर है, हमारे डे टू डे की लाइफ में इस प्रकार की घटनाएं कोई भी खुरापाती व्यक्ति, कोई भी समाज विरोधी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्व इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का दुस्साहस कर सकता है। और हम लोगों को इस प्रकार के किसी भी उसके बारे में सदैव सतर्क रहना पड़ेगा। और खास तौर पर यह देखना कि कोई व्यक्ति अपने घर में निर्माण कार्य भी कर रहा है तो हमारे गांव के चौकीदार को, हमारे बीट के सिपाही को, हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए किसी न किसी कर्मी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति की पिछली हिस्ट्री क्या है या व्यक्ति किस उद्देश्य से इस प्रकार के कृत्य को कर रहा है। आपने देखा होगा जो उसने बेसमेंट बनाया है 10x10 की एक काल कोठरी जैसी बनाई है और किस तरीके से वो व्यक्ति एक आपराधिक मानसिकता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम देना चाहता है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक नजीर है सभी के लिए कि हम इन चीजों को हर एक स्तर पर देखें और इस प्रकार की कोई भी दुस्साहसिक घटना न घटित होने पाए, आने वाले समय में कोई न करने पाए। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत शासन कार्य करने की बात कर रहा है उसके पीछे यही मंशा है कि इस प्रकार के तत्व जब कहीं भी स्पेस पाएंगे वह आजीवन कारावास का सजा भोगता है, न्यायालय की जमानत पर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसने अपने आचरण में कोई सुधार नहीं किया और वह आज भी उसके दिमाग में वही खुरापात घूम रहा है और अपने उस खुरापातिक मानसिकता के तहत वह व्यक्ति इतनी भारी संख्या में एक गांव के पूरे बच्चों को ही उसका शिकार बना देना चाहता है। मुझे लगता है यह हम सब के लिए एक स्टडी केस है, केस स्टडी है जिसको हमें देखना चाहिए और फिर इस आधार पर इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को चिन्हित करते हुए समय से उनकी काउंसलिंग और फिर समय पे आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई या इस प्रकार की घटना अन्य जगह भी हो सकती है क्योंकि वह व्यक्ति अपने को अनपढ़ बता सकता है लेकिन उसके बाद वीडियो पकड़ा जाता है चेचन्या का, कोई व्यक्ति अचानक इन चीजों को नहीं देखता लेकिन वह किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहा है यह हमें देखना चाहिए। दूसरा, सिलेंडर बम बनाने का दुस्साहसिक कृत्य, 2-2 सिलेंडर बम उसने फिट कर रखे हैं, कहीं उसके पास अन्य बम वहां मौजूद हैं, बारूद है, कैसे वह व्यापक नुकसान पहुंचाने की नियत से इस घटना को अंजाम देना चाहता है। ये हम लोगों के लिए बहुत इस प्रकार की घटना एक मैसेज देने वाली भी है और इसका सफलतम ऑपरेशन इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें सदैव अवेयर रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मैं इस टीम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, आज जो यहां पर उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है मुझे लगता है कि अवश्य अन्य लोग इससे प्रेरित होंगे। इन बच्चों को भी इसीलिए मैंने यहां बुलाया है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बच्चे हैं और इन बच्चों के भोलेपन का लाभ उठा करके वो व्यक्ति ने आसानी से बर्थडे पार्टी के नाम पर अपने घर में बुलाने में सफल हो जाता है लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों ने भी बहुत धैर्य के साथ पूरी ऑपरेशन को वहां पे देखा, सुना और सबसे बड़ी बात ये
कि जो मुझे आशंका थी कि वे अब तक बच्चे चिल्ला रहे होते, वहां पर घटनाएं कुछ और हो चुकी होती, लेकिन पूरे धैर्य के साथ, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता, मैंने कहता था बच्चों की चिल्लाहट नहीं आ रही है, क्या मामला है, क्योंकि उसने बेसमेंट को भी, मैंने सुना कि बेसमेंट को भी उसने ढकने के लिए ऊपर से एक टीन का ढक्कन बना रखा था, और कैसे खुरापाती मन से वो व्यक्ति अंजाम दे रहा था घटना को। और हमारी चिंता इस बात को लेकर के थी कि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां पर बड़े धैर्य के साथ इन बच्चों ने उस बात को वहां पर बर्दाश्त करने के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भी दिया। बालिका 16 साल की वह बालिका जिसने सिलेंडर बम के कनेक्शन को काटने में सफलता प्राप्त की, वह बालिका सचमुच इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने एक बहुत बड़ी अनहोनी को होने से बचाया। आप देख सकते हैं सामान्य जीवन में हम लोग बच्चों को घटनाओं के बारे में बहुत बताते नहीं, हमारे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, या फिर किसी भी आपदा से निपटने के लिए बच्चों को बताए जाने की आवश्यकता है। आग लगने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बाढ़ के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, भूकंप आता है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं पर कोई अनजान वस्तु है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कहां पर हम लोग अपने स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अवगत करा करके इस बारे में भारी परिवर्तन ला सकते हैं कि कौन से कार्य करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, कहां पर उनके द्वारा समाज को एक भारी क्षति होने से रोका जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के यह घटना इस बात को बताती है कि आपदा निवारण में, क्योंकि आपकी एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम तो बाद में आएगी और बाहर से करेगी, लेकिन जो अंदर फंसे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको जब इसके बारे में जानकारी होगी तभी तो वे कर पाएंगे। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस बहादुर बच्ची ने जो इस घटना को पूरी तरीके से निष्क्रिय करने में अंदर से जो उसकी मनसा थी कि पुलिस हमला करेगी और सिलेंडर बम से पूरे भवन को उड़ा देगा, तो उस मनसा को फेल करने में इस बालिका ने जिस बुद्धिमता का परिचय दिया है, मैं इसको 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप इस बच्चे को प्रदान करने की यहां पर आज हम घोषणा कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जब यह घटना प्रारंभ हुई थी, एक व्यक्ति जो संवाद बनाने के लिए गया था उसको सबसे पहले उसने निशाना बनाया था और वह गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका उपचार चल रहा है सिफाई में, उसका उपचार के साथ उसके उपचार की पूरी व्यवस्था सरकार उठाएगी, साथ साथ उस परिवार को उस व्यक्ति को भी प्रशासन के साथ सहभागी बनने और बेहतर तालमेल के साथ इन बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए उनके द्वारा जो योगदान दिया गया 50,000 रुपए की राशि उस परिवार को हम लोग शासन स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो सीएम योगी ने बहादुर बच्चों को सम्मानित किया है। फरूखाबाद का मामला जहां पर बंधक बनाए गए थे 23 बच्चे और उन बच्चों को एक कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए, और कहा कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नजीर बनती है और बच्चों को प्रेरणा देती है कि इस तरह की घटनाओं से वो सीखे और खुद सतर्क रहे।